हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है ना, तो जैसे कि सुबह सुबह आप सबको पता है बहुत ही भाग दौड़ का टाइम चल रहा होता है सुबह सुबह में ना, तो हम सबको एकदम सडनली ना, अगर एकदम माइंड सेट ना करके रखो कि क्या बनाना है सुबह ब्रेकफास्ट में, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो एक ऐसी रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत झटपट बन जाती है और बहुत टाइम भी नहीं लगता है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेड रोल। तो उसके लिए ना, मैंने यहाँ पर चार आलू को, मतलब मीडियम साइज़ की, जैसे भी आपके पास हो आप वैसे रख दो। इस समय सीज़न है विंटर का, तो नई आलू भी आ रही हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं वो खाने में, आलू के पराठे वगैरह। तो मैं यहाँ पे ना एक फिलिंग तैयार कर रही हूँ ब्रेड रोल के लिए। तो मैंने ना बॉयल आलू को यहाँ पे मैश कर लिया है, और आलू जो है ना बहुत अच्छे से, मतलब बॉयल हो गई थी तो अंदर गुलथियाँ वगैरह नहीं पड़ी थी, तो बहुत अच्छे से मैश कर दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा शिमला मिर्च और एक प्याज, एक हरी मिर्च को बारीक काट के और इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा भुना जीरा और उसके बाद थोड़ा सा साबुत जीरा। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर और आमचूर पाउडर को मैंने यहाँ पे डाला है, तो सॉरी चाट मसाले को मैंने यहाँ पे डाला है। तो आप देख रहे हो ये अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाएगी जो कि ब्रेड रोल में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ अपने पसंद की सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इतनी फिलिंग जो है ना परफेक्ट होती है ब्रेड रोल के लिए। आलू की जो फिलिंग होती है बहुत अच्छी लगती है ब्रेड रोल में। तो अभी आप देख रहे हो मेरी चाय जो है ना इधर बन के तैयार हो गई है, साथ ही साथ में मैं इसको पीते जाऊँगी, नहीं तो फिर ठंडी हो जाती है। और अभी आप देख रहे हो ना मेरे पास यहाँ पे ब्राउन ब्रेड है एक्चुअली। तो मैं कल शॉपिंग के लिए गई थी, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो मैंने वहाँ पे, मैंने बोला मेरे हस्बैंड से कि ब्रेड ले लेते हैं सैंडविच वगैरह बनाने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में, तो उन्होंने बोला ब्राउन ब्रेड ले लो, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो उतना ज़्यादा फिर मैंने ले लिया। कल सैंडविच बनाया था, जो बाकी की बच गई थी ब्रेड, तो मैंने सोचा ब्रेड रोल बना लेती हूँ। तो अभी आप देख रहे हो ना मेरे पास ये ब्रेड जो है ब्राउन है। अगर आप चाहें तो वाइट ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं, बस लुक में फ़र्क आता है, वैसे हेल्दी बहुत ज़्यादा होती है ये वाली ब्रेड। अभी आप देख रहे हो ना मैंने चारों किनारों को काट के ना इसे ले लिया है। उसके बाद हम ये जो हमारी ब्रेड है ना इसको थोड़ा सा गीला करना है, हल्का सा पानी लगा देना है अगर आप चाहें तो, इसमें डिप करके और फिर इसको निचोड़ दें, मतलब एकदम अच्छे से प्रेस कर देना ताकि सारा पानी निकल जाए। पानी नहीं रहना चाहिए, बहुत तेज़ भी प्रेस नहीं करना कि आपके ब्रेड टूट जाए। मैंने हाथों की हेल्प से इसको गीला कर लिया, अगर आप चाहें तो ऐसे भी गीला कर लें। फिर उसके बाद आप जितनी फिलिंग भरना चाहें उसमें भर सकती हैं। पूरे ब्रेड को हम ऐसे करके और बंद कर देंगे, तो आप देख रहे हो ना चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दें ताकि कोई किनारा खुला ना रहे। और ब्रेड को आप जो भी शेप देना चाहें ब्रेड रोल का, आप राउंड शेप भी दे सकते हैं। मैंने ऐसे थोड़ा सा बड़ा साइज का बना लिया है। ऐसी करके हम अपनी सारी फिलिंग को भर लेंगे। और आप देख सकते हो ना काम के चक्कर में ना सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ मतलब रहती, इतनी मशमश रहती है, मेरी चाय उधर ठंडी हो गई है। हस्बैंड के जाने के बाद मैं फिर से अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊंगी और उसके बाद में मैं नाश्ता कर लूँगी। तो अभी आप देख रहे हो ना ये जो ब्रेड रोल है ये ऐसे बंद करना है, अगर आपको लगे कहीं पे एक्स्ट्रा है ना तो आप उसको निकाल के और जहाँ पे खुला दिखे आपको आप वहाँ पे भर सकते हो। ऐसे करके हम अपनी सारी ब्रेड जो है ना वो बना लेंगे, तो बहुत अच्छे बनते हैं सुबह, बहुत झटपट बन जाता है नाश्ता ब्रेड रोल का। तो आप ऐसे ना कोई झटपट बनने वाले आप नाश्ता रखो, जैसे ब्रेड हो गया, तो उससे बहुत सारे मतलब स्नैक्स बन सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। सैंडविच बना लो कभी आप, ऐसे ब्रेड रोल बना लो। ब्रेड पकौड़ा वगैरह तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। अभी अब मैं ना एक साइड में जो ऑयल को मैंने रखा था, आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से हीट हो गया था, हाई फ्लेम मैंने कर रखा है और इसे मैं हाई फ्लेम पर ही निकालने वाली हूँ, क्योंकि जो है ना ब्रेड है वो काफ़ी अब्जॉर्ब कर लेता है ऑयल को, अंदर काफ़ी अंदर चला जाता है, तो उसकी वजह से हाई फ्लेम पे ना बहुत जल्दी आपको निकाल लेना। अंदर की जो फिलिंग है वो बिल्कुल पकी है, मतलब आलू वगैरह तो बॉयल है, उसको पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रेड भी आपको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए और मतलब आपका जो रोल है वो ब्रेड वैसे भी कुरकुरा हो जाता है हाई फ्लेम पर, तो हाई फ्लेम पर आप इसको निकाल लीजिए। अगर आप बहुत स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ना तो अंदर जो है ना तेल बहुत चला जाता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर वो ऑयली मतलब अच्छा नहीं लगता टेस्ट। आप इसको ऐसे हाई फ्लेम पे करके निकालना बहुत अच्छे से चारों तरफ से। आप देख रहे हो ना मेरा ये जो ब्रेड रोल है वो सिक गया था, तो अगर आप चाहें तो इसे टोमेटो केचप जैसे मैंने इसे निकाला है आप इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर होममेड कोई अच्छी सी चटनी तीखी सी बना के, ग्रीन चटनी बना लें कुछ भी। और मेरी अगर रेसिपी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ना मेरे लाइक कर देना, और हाँ अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।